क्या आपके मुंह में भी रबड़ी सुनते ही पानी आ जाता है, पर आपको आपकी पसंद की शुद्ध रबड़ी नहीं मिल पा रही है। आपकी रबड़ी के इस प्यार को और गहरा करने गाया लेकर आया शुद्ध शाही रबड़ी, वो भी आपके बजट में। शाही रबड़ी के लॉन्च इवेंट में कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत धाड़ीवाल, मोहित धाड़ीवाल, सेल्स हेड आरबी सिंह व मार्केटिंग मैनेजर आशीष चक्रवर्ती ने बताया कि हम इस पारंपरिक मिठाई को भारत के घर घर तक पहुंचाना चाह रहे हैं और शुरुआत छत्तीसगढ़ और ओडिशा से कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की रबड़ी न मिलने के कारण लोग इससे दूर हो गए थे, पर अब हम सेक्टर में लोगों को बेस्ट क्वालिटी न्यूनतम कीमत में देने प्रतिबद्ध हैं। शाही रबड़ी की शुरुआती कीमत हमने मात्र 32 रुपए रखी है। हमें उम्मीद है शाही रबड़ी मिष्टी, दही, कप आइसक्रीम, खीर केक, पेस्ट्रीज, फूट दही, श्रीखंड आदि की जगह जल्द ही ले लेगी। इसका कारण यह है कि यह शुद्ध दूध से बनी पौष्टिक व सेफ प्रोडक्ट है, जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में मौजूद है। भारतीय घरों में लोग खाने के साथ मीठे के रूप में इसे बेहद पसंद करेंगे व इसका अनेक तरह से उपयोग किया जा सकता है। यह विटामिन ए, डी व ई का बहुत अच्छा सोर्स भी है। गाया ब्रांड के बारे में बताते हुए श्री प्रशांत धाड़ीवाल ने बताया कि गाया ब्रांड की शुरुआत हमने सन 2018 में की थी। आज गाया छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय डेयरी ब्रांड है। हमारे साथ गाया ब्रांड के मैनेजर हैं सुजीत जी। हम उनसे जानेंगे कि अभी शाही रबड़ी का लॉन्चिंग किया गया है, कैसा है रबड़ी, किसकी ये रबड़ी की कितनी ज़्यादा खासियत है, बाज़ार में आने के बाद लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है, ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं। ये आप लोग ने रबड़ी लॉन्चिंग की है, क्या मानते हैं बाज़ार में कितना ज़्यादा लोगों को लग रहा है, अच्छा लोग इसको खा रहे हैं? देखिए, रबड़ी जो है हमारे यहाँ पे सिर्फ गाया ब्रांड ने लॉन्च किया है, शाही रबड़ी के नाम से आता है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ शाही रबड़ी एक ही कंपनी से आता है और ये काफ़ी ज़्यादा हाइजेनिक है, आपके लिए अच्छा है। सब सारे लोग इसको ले सकते हैं, चाहे बड़े हो, बच्चे हो, छोटे हो, सब इसको आसानी से ले सकते हैं। रेट वाइज भी काफ़ी अच्छा है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, मिनरल सब इसमें है और ये शुद्ध दूध के प्रोडक्ट से बना हुआ है। काफ़ी दूध में भी काफ़ी हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं ताकि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस से पास होने के बाद, सारे क्वालिटी टेस्ट होने के बाद हम इसको मार्केट में लाते हैं। मार्केट में आने के बाद हमने अभी इसको सबको लगभग 500 से 1000 दुकानों में सैम्पलिंग करवाया है और वहाँ पे सारे कस्टमर को भी उसको टेस्ट करवाया। सारे लोगों ने हमको अब तक पॉजिटिव फीडबैक ही दिया है। और रबड़ी क्या है ना, आप अगर, मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप आइए और एक हमारे गाया फ्रेश आउटलेट है पंडरी में, यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर गाया फ्रेश ऐप है, आप गाया फ्रेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको अपने घर में ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा ये दावा है कि आप एक बार उसको खाएंगे तो आप दोबारा उसको ऑर्डर ज़रूर करेंगे। क्या मानते हैं सर कि शुगर भी कम है, ऐसे में अगर जो क्या आपका शुगर पेशेंट लोग रहते हैं तो क्या उनके लिए भी कितना ज़्यादा सही है, बच्चे लोग के लिए, सामान्य लोगों के लिए कितना ज़्यादा है? देखिए, ये शुगर वगैरह सारा चीज़ अगर इसमें तो सारे डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग उनको खाना चाहिए। हमारा जो कप है, कप के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितना परसेंट शुगर उनके पास है उसमें एडेड है, उस 100 ग्राम प्रोटीन है, कितना हर 100 ग्राम प्रोटीन जो है, कप प्रोटीन 100 ग्राम के अकॉर्डिंग काउंट होता है, तो उसमें शुगर का परसेंटेज भी लिखा हुआ है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सारे कस्टमर एक बार उसको देख ले, कोई जो शुगर के पेशेंट है उनको जिस मात्रा में खाना कम्फर्टेबल है उतना मात्रा वो ले। मिल्क डेफिशिएट स्टेट है छत्तीसगढ़। जब यहाँ इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं था, दिल्ली में एक कंपनी में मैं काम करता था, आनंदा करके ब्रांड है, उन्होंने लॉन्च किया, आइडिया सर को बताया और इसका जब लॉन्च किया लोगों को, जैसे आपको टेस्ट कराया, ऐसे 5000 लोगों को टेस्ट करा चुके हैं अब तक, हर आउटलेट से हमें ऑर्डर मिला है। तो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता है जब आप पॉजिटिवली काम करते हो तो वॉल्यूम मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं, इजी अवेलेबल होगा, कंपनी की इक्विटी बढ़ेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया। बट नेचुरल और बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, R&D चल रहा है, प्लांट के लोग, लैब वाले जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, माइक्रो टीम है वहाँ, वो सारे लोग जो है टाइम टू टाइम करते हैं। मैं मानता हूँ ये
बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है, और जैसा कि नाम है इसका शाही रबड़ी, इसमें इतनी गुणवत्ता है, ये बादाम, पिस्ता, कार्डमम, केसर से युक्त है, विटामिन ए, डी, मैग्नीशियम, आयरन आपको सब मिलता है एक छोटे से 80 ग्राम के पैकेट में। हमने इसका शुगर लेवल भी कम रखा है ताकि इसको हर वर्ग के लोग खा सके, बच्चे, बुज़ुर्ग, जिनको मीठा कम पसंद हो, जिनको मीठा अच्छा लगता हो, जिनको डायबिटीज़ हो, जिनका शुगर लेवल हाई रहता हो, ये हर पर्सन खा सकता है, क्योंकि ये क्वांटिटी भी उतनी लिमिटेड है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मीठा ज़्यादा है या ये कम है, तो ओवरऑल एक बहुत बैलेंस्ड प्रोडक्ट बना है ये। सर, अगर पैकिंग को लेकर बात करें तो ऐसे कैसे मन में आए कि इस प्रकार का पैकिंग किया जाए जो कुछ अलग हो, ज़्यादा स्तर सुरक्षित, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्तमान में भी कोरोना अभी भी चल रहा है, तो उसको सुरक्षा को ध्यान देकर इतना अच्छा आप लोग ने कैसे मन में सोचा? देखिए, हमारा बिलीफ है कि इस इंडस्ट्री में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, रोज़ निरंतर इनोवेशन आपको करना पड़ेगा आगे रहने के लिए, तो ये पैकेजिंग तो एक शुरुआत है। और जैसा कि आपने बोला कि कोरोना का टाइम चल रहा है, वो ख़राब टाइम तो हमारे पीछे रह गया शायद अब, मगर ये सिखा के गया है कि आपको शुद्धता पे, हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सब सोचते हुए हम ऐसी पैकेजिंग लाए हैं जिसमें कोई कंटैमिनेशन नहीं हो सकता, लॉक सिस्टम है, और डेयरी में शायद ये इस प्रकार का इस क्षेत्र में पहली बार कुछ हुआ है ऐसा पैकेजिंग। सर, इसको कितनी बड़ी खुशी मानते हैं, क्योंकि शुरुआती ही अगर 20,000 बिक चुका है आपकी रबड़ी, तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में लोग इसको कितना ज़्यादा पसंद करेंगे और कितने अन्य राज्यों में फैल सकता है? देखिए, क्योंकि ये एक टेम्परेचर कंट्रोल वाला प्रोडक्ट है, इसका स्टोरेज फ्रिज में करना पड़ता है, तो हम इसको आसपास के राज्यों में तो फैलाएंगे ही, हम छत्तीसगढ़ में चालू कर दिए हैं, वेस्टर्न उड़ीसा भी चालू हो चुका है, होपफुली इसको और अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ भी पहुँचा सकें, बट अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम हर छोटे गाँव में पहुँचें छत्तीसगढ़ के और आसपास के उड़ीसा में। सामने रक्षाबंधन आने वाला है, क्या आप लोगों के ऐसे मन में आए? सर, इसको कितनी बड़ी खुशी मानते हैं, क्योंकि शुरुआती ही अगर 20,000 बिक चुका है आपकी रबड़ी, तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में लोग इसको कितना ज़्यादा पसंद करेंगे और कितने अन्य राज्यों में फैल सकता है? देखिए, क्योंकि ये एक टेम्परेचर कंट्रोल वाला प्रोडक्ट है, इसका स्टोरेज फ्रिज में करना पड़ता है, तो हम इसको आसपास के राज्यों में तो फैलाएंगे ही, हम छत्तीसगढ़ में चालू कर दिए हैं, वेस्टर्न उड़ीसा भी चालू हो चुका है, होपफुली इसको और अगल बगल के जितने राज्य हैं वहाँ भी पहुँचा सकें, बट अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की डिमांड भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम हर छोटे गांव में पहुँचें छत्तीसगढ़ के और आसपास के उड़ीसा में। सर, सामने रक्षाबंधन आने वाला है, क्या आप लोगों के ऐसे मन में आया कि रक्षाबंधन में भाई बहन के लिए एक नया मीठा मार्केट में प्रस्तुत करेंगे? बिल्कुल, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी दो बड़े त्यौहार आ रहे हैं और आप सबको इसकी बधाई देना चाहूँगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि रक्षाबंधन के टाइम हम चाह रहे हैं कि हर बहन अपने भाई को ये खिलाए, और क्योंकि ये शुद्धता से और पौष्टिकता से संपूर्ण है। सर, अगर लोग इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं कि इसके साथ गायक साथ जुड़ना चाहते हैं या घर में ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ ऐप आपका है कि कोई किसी माध्यम से मंगा सकते हैं? बिल्कुल है, हमारा गाया फ्रेश ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको घर पहुंच फ्री में निशुल्क प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होगी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, रोज़ सुबह 6-9 बजे के बीच में फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको डेली, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है आजकल, और ये हमने कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया था जिसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। फ्रेंचाइजी लेने का जो सवाल है आपका, उसमें हम बिल्कुल फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, अब हर शहर में दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसके लिए हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, उनसे संपर्क किया जा सकता है और आगे का प्रोसेस पूरा है। मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट गाया का अवेलेबल है कि लोग क्या क्या गाया का प्रोडक्ट ले सकते हैं? गाया का प्रोडक्ट्स काफ़ी रेंज बढ़ गई है, अब हमारे पास दूध हैं अन्य प्रकार के, दही हैं, कड़ी दही है, पनीर है, घी है, लस्सी और छाछ जो बहुत खासकर गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा चलती है, और पेड़ा बनता है, तो ऐसे हमारे करीब करीब 10 से 11 प्रोडक्ट्स हैं जो कि, और ये शाही रबड़ी हमारा सबसे लेटेस्ट ऑफरिंग है, और आने वाले टाइम में हम मान के चल रहे हैं कि हमारे 8 से 10 प्रोडक्ट और लॉन्च होने चाहिए अगले एक साल में।
ही रबड़ी की खासियत जो कि काफ़ी अच्छा है, बाज़ार में उतरते ही 20,000 बिक चुका है। साथ में अब देखना होगा कि बाज़ार में और ये कितना जल्दी प्रगति करता है, कितना स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि अगर बात करें शाही रबड़ी की तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छे इसका स्वाद भी है और लोग काफ़ी इसको पसंद भी कर रहे हैं। टारगेट तो बहुत लंबा है हमारा, बहुत आगे तक जाना है और हमारी उम्मीद ये है कि हर घर में ये पहुँचे, बिकॉज अभी तो त्यौहार का सीज़न भी आ रहा है आगे, तो डेफिनेटली टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे इसमें। बेसिकली देखिए, एक तो क्या है कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लांट है तो पूरी टेस्टिंग होती है, सेफ्टी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। सेकेंडली पैकेजिंग हाइजीनिक है, सो हमको ये कॉन्फिडेंट है कि बाहर खुले के सामान खाने से अच्छा है कि आप ये पैकेज खाइए। दौर भी ऐसा चल रहा है, आप देखिए आज के दिन में महामारी और ये सब चीज़ों का दौर चल ही रहा है, तो हर आदमी थोड़ा कॉन्शियस हो गया है। तो ये भी एक हमारा प्रयास है कि कस्टमर को तो चाहिए देखिए, और हमारा प्रयास है कि उनको बेस्ट टू बेस्ट हम मोस्ट हाइजीनिक कंडीशंस, बेस्ट पैकेजिंग के साथ हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ। नहीं, अभी जो हमारा रिस्पॉन्स अभी तक आया है, जो फीडबैक आया है और जो लोगों ने हमको बताया है इसके बारे में, बहुत ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है हमारे को। तो और ऐसा नहीं है कि ये मतलब जब पहली दफ़े बनाए थे तो बहुत अच्छा था, ये काफ़ी समय लगा है बनाते बनाते, एंड अब फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं मार्केट में, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब खुश हैं। एंड ऑफकोर्स बना भी फीडबैक से है ना, कोई हम अपने उससे तो नहीं बनाए हैं, सबने जो सुझाव दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके हमने इसको बनाया है, तो वाकई में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहे हैं।